हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ सभी की फेवरेट फालूदा रेसिपी। गर्मियों के दिनों में इसे बहुत ही पसंद किया जाता है, तो आज मैं बना रही हूँ मैंगो फालूदा। इसे बनाना बहुत आसान है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा। वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। आम फालूदा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा आम कट करके लिया हुआ है, इसे हमें ग्राइंड करना है। इसके साथ मैं ग्राइंड करूँगी, यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम लिया हुआ है एक बड़ा चम्मच, तो इन दोनों को हम ग्राइंड कर लेंगे। आम और फ्रेश क्रीम को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, तो चलिए फालूदा बनाना स्टार्ट करें। यहाँ पे मैंने लिया है ग्लास, इसमें मैं बनाऊंगी फालूदा। तो सबसे पहले हमें रोज सिरप को इसमें स्प्रेड करना है। इस तरह से हमें ग्लास को घुमाते हुए रोज सिरप को डालना है। अब इसके बाद हम मैंगो के इस मिक्सचर को डालेंगे इसमें। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून सब्जा के सीड्स। सब्जा के सीड्स हमें जो मिलते हैं मार्केट से, उसे हमें 15 से 20 मिनट तक पानी में भिगो के रखना पड़ता है। इसके बाद ये इस तरह से फूल जाता है। तो अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे वेनिला आइसक्रीम। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम। थोड़े से पिस्ते, थोड़े सी किशमिश। फिर से हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा रोज सिरप। मैंगो फालूदा बनके तैयार है। आपने देखा, इसे बनाना बहुत आसान था, बहुत ही क्विक बन जाता है। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यम्मी लगता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।